सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया। तो गाइस यार आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में। अच्छा, हम और आप और हम। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि हम सब शायद ही ऐसा कोई हो जो सोशल मीडिया का यूज ना करता हो। आजकल के युग में तो हर कोई सोशल मीडिया का यूज कर रहा है अपने अपने तरीके से, और सोशल मीडिया पर हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। तो गाइस यार आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। क्या मतलब पाकिस्तान का नाम आ गया तो इतना गुस्सा? कंट्रोल कंट्रोल। तो गाइस यार आज हम बात करने वाले पाकिस्तान के एक ऐसे ही शख्स के बारे में, हो सकता है वो युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। इसने वो कारनामा करके दिखाया है आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आओ यार हाथों को करते हैं साफ, क्योंकि दिल तो तुम्हारा पहले से ही साफ होगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है अनुपम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रेजी गेम। हमारा कवल 40 साल खातून जिसके 3 बच्चे हैं, मियां फरहान सदीक जो 21 साल के नौजवान हैं। इस नौजवान ने खातून को जब शादी के लिए प्रपोज किया तो इन्होंने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद इस जवान ने गन्दम की गोलियां खा ली और फिर मोहब्बत की ये तड़प देखकर ये खातून अस्पताल पहुंच गई और फिर इनके साथ निकाह कर लिया। तो आज हम इनके साथ मौजूद हैं और जानेंगे इनकी लव स्टोरी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बलिया की माने तो प्यार एक नशे की तरह होता है और हर कोई इस नशे में डूबने के लिए बेताब रहता है, पर ये नशा कभी कभी ज्यादा हो जाने के कारण एक बीमारी की तरह हो जाता है और हमारे समाज में ऐसी घटनाएं आती रहती है। मुझे नहीं पता आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और कैसा सोचते हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद सैनिटाइजर जरूर कर लेना, अपने हाथों पे नहीं अपनी आंखों पे। हो सकता है तुम इस बंदे से इंस्पायर हो जाओ और तुम भी कुछ ऐसा कदम उठा लो। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाजिर है नाजरीन, आपने ऐसी बेशुमार कहानियां सुनी होंगी जिसमें लड़के लड़कियों को उठाते हैं और फिर शादी रचा लेते हैं, मगर आज हम आपकी खिदमत में लाए हैं एक अनोखी स्टोरी। तो आइए ये स्टोरी जानते हैं अमारा कंवल और मियां फरहान सदीक की जुबानी कि इनके दरमियान ये प्यार की गुलछरियां कब से जो है वो बनना शुरू हुई और इनकी औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर शादी कैसे हुई। बस जी मैंने मोहब्बत की कदर की ना यार, तुम लड़के हमेशा पीटते हो कि हम जहर खा लेते हैं, हम मजनू बन जाते हैं। तो अगर एक लड़की ने, एक मासूम सी खातून ने एक मासूम से बच्चे का दिल रख लिया है, लेकिन एक सेकंड क्या बोला तूने? तो अगर एक लड़की ने एक मासूम सी खातून ने एक मासूम से बच्चे का दिल रख लिया है। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। टूटने से बचा लिया है, मतलब हॉस्पिटल में था एक बंदा पहुंच गया, बिल्कुल लमलेट हो गया ना, गोलियां खा ली उसने, बस उसका वो आगे मकबरा ही बनने वाला था। तो मैंने सोचा यार क्या कह रहा है, शादी के लिए कह रहा है ना, कर लेते हैं शादी, क्या नुकसान हो जाएगा। तो इस हरकत के बाद भी आप अपने आप को मासूम कह रही है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। नहीं मतलब ये बताओ, दिल है कि धर्मशाला? सच सच बताना, धर्मशाला अगर खाली तो मैं और बंदे भेज रहा हूँ। धर्मशाला जो होती है बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। वो जो पीछे तीनों तुम्हारे बच्चे बैठे हैं वो बेचारे यही सोच रहे होंगे कि यार इनको पापा बोले या भैया बोले। देखें हम लड़कियां पैदाइशी मासूम होती हैं, मैंने मतलब एक एग्जांपल सेट की है कि अगर कोई लड़का ऐसे सीरियस है आपके लिए तो उसके साथ शादी कर लो भाई, जरूरी है कि वो राधे बन के फिरता रहे इधर उधर? अगर मैं मतलब कर देती इनकार तो क्या होता, मतलब वो तो वो बता सकते हैं। तो आखिर क्या सूझी इस डलती उम्र में कि आपने फिर से शादी रचा ली, हमें भी तो कोई स्टोरी सुनाइए। देखें वो कहते हैं अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी ना, तो मुझे भी ऐसे ही, मैंने कहा यार चल अच्छा है, मतलब थोड़ा अब बुढ़ापे की उम्र है, जाने वाली हूँ तो मतलब चल यार यही होगा ना, जनाजे पे कोई बैन भी डाल रहा होगा ना, पीछे से रो भी रहा होगा ना। गाइस लौंडे के चेहरे की खुशी तो देखो, मानो उसने UPSC का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया हो। आप जो कर रहे हैं वो एक ऐतिहासिक काम है। मेरे बस में अगर कुछ होता तो मैं आपको अवार्ड दिलवाने की हुई पारिश करता हूँ। आप जो कर रहे हैं इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, सरकार को भी आगे आना चाहिए, आप जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। बच्चों के साथ एक मिल के कोई वो मतलब मजा आ रहा आएगा मेरे जनाजे पे, कुछ 4 बंदे रोने वाले होंगे। एक उनमें अलग ही रो रहा होगा ना, अलग से वो हीरो बन के देवदास बन के रो रहा होगा ना। तो मैंने सोचा जाते जाते कोई एक आध बंदा ऐसा सच्चे वाला आशिक छोड़ के जाना। पुराने अरमान पूरे कर रही है आप इस उम्र में? रहा नहीं जाता, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप?
शादी होती है ना तो बच्चे आप ही आ जाते हैं, मतलब वो आपने एक लतीफा सुना होगा कि वो एक मियां बीवी को कहता है कि जानू मुझे तुमसे बच्चे चाहिए। फरहान ने जब मुझे कहा कि मुझे आपसे बच्चे चाहिए, मैंने कहा कितने चाहिए, तो कहते कम से कम एक बेटा तो हो, मैंने कहा भाई दो बेटे और एक बेटी है, ले लो अभी से ले लो। अच्छा हुआ इसने ये नहीं कहा कि पूरी मुझे क्रिकेट टीम चाहिए, भी पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, हाल फिलहाल में भी इंडिया को हराया है, तो पता चला है इसकी एक अलग से टीम तैयार हो गई और इंडिया की तो और हालत खराब कर देंगे ये लोग तो यार। बस बस करवाई, तीन ही ठीक है बच्चे, वैसे तो दो ही ठीक होते हैं लेकिन तुम्हारे लिए तो तीन ही ठीक है। बस रिक्वेस्ट है आपसे कि सही क्रिकेट टीम मत बना देना। मियां फरहान से भी बात करते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह इतनी नौजवानी में जो है इनको कैसे प्रपोज किया और जब फर्स्ट टाइम प्रपोज किया तो इनके क्या तासुरात थे। जी मियां साहब जरा बताएं कि जब आपने फर्स्ट टाइम इन्हें प्रपोज किया तो क्या इनका रिस्पांस था। पूरा वाक्य यही कि सोशल मीडिया पे मैं इन्हें तकरीबन दो तीन माह से देख रहा था, तो मेरी बातचीत नहीं थी इनसे, तो एक दिन मैंने वैसे ही सोचा इन्हें यानी प्रपोज किया, जब इन्होंने बकायदा रिजेक्ट कर दिया। तो दिन प्रपोज कहाँ किया, कमेंट्स में, सोशल फेसबुक की जो पोस्ट है उसके कमेंट्स में आपने प्रपोज कर दिया। हाँ जी। अरे बड़ी हिम्मत है भाई आप में है। यार जब तुम फेसबुक चला ही रहे थे थोड़ा और देख लेते, हो सकता है तुम्हें इससे कुछ बेटर मिल जाए। तुमने जवानी के जोश जोश में होश खो दिया और तुमने शादी कर ली, चलो कोई नहीं तुम्हारी जिंदगी है। पर जब तुम शादी करके घर पहुँचे होगे, जब तुम्हारे अब्बा ने तुमको देखा होगा तो ये जरूर बोले होंगे के राजा भोस दिखे। आप माशाल्लाह 21 साल के हैं तो आपको कोई अपनी एज की लड़की नहीं पसंद आई। मैंने आपको पहले बताया कि दिल को अच्छे लगने की बात है, तो जो दिल को अच्छा लग जाए, फिर एज डिफरेंस रंग रूप ये सब कुछ नहीं देखा जाता। ये क्या है बे, सपना है पर एक दिन सच होगा। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये खाना बनाते हैं, ये बर्तन भी धोते हैं, ये आटा भी गूंथते हैं, ये गोल रोटियां बनाते हैं, मतलब बहुत जबरदस्त किस्म की रोटियां बनाते हैं। पांव धो के नहीं पीते। लगातार फेसबुक पर ऐसी घटनाओं को बढ़ता हुआ देख कर मार्क जुकरबर्ग ने एक फैसला लिया है, फेसबुक का नाम बदल के मेटा रख दिया है। हमारी इन्हीं सब बकचोदियों के कारण आज फेसबुक ने अपना नाम ही बदल दिया है, तुमने इतना बदनाम कर दिया उसको। देखो यार सोशल मीडिया की दुनिया रियल लाइफ की दुनिया से अलग होती है, सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, और ऐसे आशिक धरती का सीना चीर कर ही पैदा होते हैं। और ये बताओ तुम लोग अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर लेते हो इतनी बड़ी बात के लिए, मेरे घर में मेरे बोलने से चाय नहीं बनती है। यार तुम लोग इतनी बड़ी बात के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हो, मानना तो पड़ेगा यार। अभी तक मैंने सिर्फ सुना था कि प्यार अंधा होता, आज देख भी लिया और मुझे रियलाइज भी हो गया कि सच में प्यार में ताकत तो होती है, मानना पड़ेगा। और अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो जाओ यार अपने पेरेंट्स को मनाओ और कन्विंस करो। तो थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए। तो अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और आगे आने वाली वीडियो बहुत ही जल्द मिलेंगी आपको। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और वीडियो में जो भी आपको पसंद आया वो कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।